COVID has made us all vulnerable. Vulnerable to not only physical problems, but also to mental problems. हम एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और ये एंजाइटी और डिप्रेशन सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चे या यंग पीपल में नहीं है. इवन मिडिल एजेड पीपल लाइक अस आर ऑल्सो फेसिंग द सेम थिंग. मैं एक्चुअली ये प्रॉब्लम में फंस गया. सुनीता अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए घर गई थी तो वहाँ पर लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड हो गया. सुनीता और पीयू वहीं फंस गए. उनसे अकेले रहा नहीं जाता. पीयू छोटी सी है यार, उसके बगैर कैसे रहूँगा. पर वो सुनीता के साथ सेफ भी तो है. सुनीता की आदत पड़ गई है लाइफ में, उसके बगैर रह नहीं पाता हूँ. उससे फोन पे बात कर लिया कर. अच्छा ठीक है, बर्तन कपड़े कौन धोएगा. दो चार बर्तन हैं, धो ले. और साथ में तेरे पास वॉशिंग मशीन भी तो है. घर की सफाई कौन करेगा. क्या घर की सफाई, एक आध बार कर लेना सफाई थोड़ी बहुत. यार मैं अकेले अकेले बोर भी तो हो जाता हूँ. क्या बोरिंग, सब ठीक है यार, सो जाया कर. अब मैं तेरे को एक बात बोलता हूँ. अच्छा चल बोल. अपनी बीबी को अपनी गर्लफ्रेंड भी माना कर, उसके साथ दो चार दिन अच्छी सी बातें भी किया कर. तू सुनीता को कॉलेज से जानता है, घंटों बातें किया करता था उससे फोन पे. मेरे फोन की बैटरी खत्म हो जाती तो मेरे फोन से बातें करता था. कहाँ पे वो थी. पिछली बार आया था वो सुनीता की बुराई कर रहा था. क्या है, पीपल हैव ट्राइड आउट सो मच. अगर तू फोन पे उससे बातें करता है, वीडियो कॉल करता है, तो तेरे आसपास ही तो लगेगी तुझे. खुश नहीं रहेगा तू उसके साथ. जहाँ तक रही बात पीयू की, तो वो अपनी मम्मी के साथ सेफ भी है और वो उसका बेटर केयर कर सकती है. जस्ट इमेजिन कि अगर वो तेरे साथ यहाँ पे होती और सुनीता वहाँ होती तो कैसे ही मैनेज करता. तो अपने आप को तो मैनेज कर नहीं पाता है. अपने आप को देख रहा है कैसा भैंस हो गया है, मोटा हो गया है. कहाँ तू उस जमाने में कितना फिट हुआ करता. फिटनेस विटनेस कर, कुछ रनिंग कर, कुछ एक्सरसाइजेस कर, वेट्स खींच. अभी कुछ दिनों पहले तो ये भी कह रहा था कि अपना पैशन परस्यू नहीं कर पाता हूँ, अपना पैशन परस्यू नहीं कर पाता हूँ. अब मिला है ना टाइम, कर अपने पैशन को परस्यू. जिंजर बेकर का फैन था तू, तेरे पास ड्रम्स पड़े हुए हैं. ड्रमिंग कर, इंजॉय कर. जब घर में लोग होते हैं तो ड्रमिंग तो कर नहीं पाता है ना. अभी टाइम मिला है, कर ले. पिछला प्रोजेक्ट मिल गया तुझे, बहुत खुशी की बात है. लेकिन तेरे दो प्रोजेक्ट्स कैंसिल भी हुए तुझे याद है ना. उनमें से एक जेनेटिक्स पे भी है, उसको थोड़ा कोविड के साथ रिलेट करके लिख दे, तुझे फंडिंग भी मिल जाएगी. और तेरी जो 1.4 वाली घड़ी है ना, वो 25.4 की हो सकती है ना. रोलेक्स पहनना. पिछले हफ्ते तेरी SUV भी डिलीवर हो गई है ना. यू आर एंजॉइंग SUV. कन्वर्टेबल ले लेना. बात पता है क्या है, जो तेरे पास होता है वो तुझे पसंद नहीं होता है, जो तेरे पास नहीं होता है वही तुझे चाहिए होता है. जो तुझे नहीं चाहिए होता है वो तुझे पसंद आने लग जाता है. जो चीज़ आज तेरे पास नहीं है, इसी चीज़ की तू डिमांड कर रहा था कुछ दिनों पहले कि मैं बोर हो रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, ये है वो है. अब अकेले मिला है ना टाइम, अपना नया प्रोजेक्ट देख, अपने पुराने प्रोजेक्ट्स को ठीक कर, ड्रमिंग फिर से स्टार्ट कर, फिटनेस पे ध्यान दे. और जितना मुझे याद है तुझे तो खाना बनाने का भी शौक हुआ करता था ना, और तू बर्तन भी खुद ही धोता था क्योंकि तुझे दूसरों के बर्तन धोना पसंद नहीं हुआ करते थे. कहाँ कहाँ है वो मेरा दोस्त, हाँ, जो बर्तन खुद धोता था और खाना भी खुद बनाता था और हम सबको खिलाता था. हॉस्टल में कच्चा पहन के घूमता था. आज घर में नंगा भी घूम सकता है. तुझे पता है बात क्या है, टाइम खराब है, टाइम प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन हमें इससे निकलना है. और अगर हम अपना मेंटल बैलेंस खो देंगे या इन सब चीज़ों से परेशान रहेंगे तो कैसे चलेगा. इसको अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में देख. वो सारी चीज़ें कर सकता है जो तू बीच में नहीं कर पा रहा था, तेरे पास टाइम नहीं था. आज तू अकेला है, आज वर्कलोड इतना नहीं है, घर के प्रेशर्स और काम नहीं है, तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर ले. फिर पता नहीं कब ये टाइम आएगा. कोशिश करता हूँ. कोशिश मत कर, कर.
कर इसको और सुन, थोड़ा खुश रहना भी सीख लिया है ना, इतना कंप्लेन मत किया कर। थैंक्स यार। कोशिश करिए खुश रहने की, कोशिश करिए मन को शांत रखने की, ये कोशिशें रंग लेंगी, हम सारे लोग इससे उबर पाएंगे। जिंदा रहें तो फिर मिलते हैं।